गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन हमारा किसका, प्रोबेबिलिटी का है, नंबर 40, 41, 42 अप टू 130 तक है। ठीक है, 40 से लेके 130 तक एक नंबर दिया गया है। आर रिटन ऑन कार्ड, एक कार्ड है मतलब ताश का पत्ता है, फिर कोई कार्ड है, स्लिप है, तो उस पर 40 से 130 तक टर्म नंबर्स लिखे गए हैं। वन नंबर्स ऑन वन कार्ड मतलब एक नंबर एक कार्ड पर लिखा गया है, एंड पुट इन अ बॉक्स, उसे बॉक्स में रख दिया जाता है, डाल दिया जाता है। कार्ड इज ड्रॉन रेंडमली, फिर एक कार्ड को उठाकर हम रेंडमली ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द बॉक्स, उस बॉक्स से। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज डिविजिबल बाई 2, 3 एंड 4, मतलब 12, डिविजिबिलिटी बाई 12, 12 से डिविजिबल हो जाए, 2 से भी हो, 3 से हो, 4 से हो, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 आएगा। तो टोटल लिख लेते हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स कितने कार्ड्स हैं, 130 माइनस 40 से पहले वाला क्या आएगा, 39 आएगा, क्योंकि 40 तो लिखा गया है, उसके पहला कार्ड 39 है, सेपरेट कर देंगे, 1 हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा 9, ठीक है, 91 होगा, ठीक है, नंबर ऑफ कार्ड, ठीक है, एन के बराबर हो गया, तो ये आपका एन एस हो गया, सिंपल स्पेस हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि डिविजिबिलिटी बाई 2, 3, 4, मतलब 12 से डिविजिबल हो जाए, तो डिविजिबिलिटी नंबर ऑफ कार्ड्स डिविजिबल बाई 12, बट इज 2, 3 एंड 4, ये लिखे फिर 12 लिखे चलेगा, 2, 3 एंड 4 फिर 12, कितने नंबर्स होंगे, 12 का टेबल पढ़ेंगे कहाँ से, 40 के बाद से स्टार्ट करेंगे, 12 4 जा 12 3 36, 12 4 जा 48, तो पहला कार्ड आपका 48 आएगा, फिर 12 5 जा 60 आएगा, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120, कहाँ तक, 130 तक है, उसके बाद आ जाएगा 120 के बाद आपका एक नंबर और आएगा, 12 ऐड कर देंगे तो 132 आगे हो जा रहा है, नहीं होगा तो फिर 120 तक ही जाएगा आपका, ठीक है, यहीं तक होगा फिनिश। काउंट कर लेते हैं, आपका एन ई नंबर ऑफ इवेंट आ जाएगा, कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, प्रोबेबिलिटी निकालना है, पी ई, ठीक है, क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन एन एस, रख देंगे हम वैल्यू, एन ई कितना निकला है, 7 है, एन एस क्या 91 है, 7 अपॉन 91, जब इसको ब्रेक करेंगे तो 1 अपॉन 13 हो जाएगा आपका आंसर होगा, ठीक है बेटा।